Swasti Sri Ganeshaya Namah. Tamaham Sarvadavande Srimadavallabhanandanam Agyana Vimrandasya Gyana Anjala Talakaya Chakcharan Nilakam Yena Tasmai Shri Gurve Namaham Bancha Kalpadarubhyascha Kripasindubhyai Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaham Asti Sasarani Karatrivikala Kalpa Prasona Plutam Bastu Prasthata Venurada Lahari Nirvana Nirvyavaram Sastra Sasarana Vardhanina Vilasa Drupi Sahasa Vartam Hastan Nastana Tapu Vargamakilo Dauram Kishora Surti Siradha Sadhyam Sadhanam Yashirada Mantro Radha Mantra Dhatri Charada Sharvam Radha Jeevanam Yashirada Radha Radha Vachakim Tashashesham Vyasaya Vishnu Rupaya Vyasa Rupaya Vishnave Namo Vai Brahma Vidai Vasishthaya Namo Namaha Yam Prabhujantam Anapetam Apetagatyam Dvaipaya No Virekadar Vajuhava Uttriti Tanvaitaya Darvo Vinedus Tansarga Bhutirdiyam Unimanatvasmi Hayagriva, Hayagriva, Hayagriva Yogade Tasya Nishadevani Janho Ganya Prabhavad Aayye Hanumant Padariye Katha Kaho Vidhi Anusar Prem Sahit गुरु चरण सरोज रजन जमन भगवन सुधार वरनम रघुवर विमल जसो जोदा जप फल चा बोले भागवत भगवान की शिवा के विहलाल की श्री राधा रानी की श्री गिरिराज धरण की श्री अमने महारानी की श्री वल्लभा के लाला के ब्रजवासी भगवान के जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री आइए
उस पावन प्रसंग में प्रवेश करें। पंचम दिवस की लीला में प्रवेश करें। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय बोलो जय कन्हैया लाल की। अच्छा भगवान का प्राकट्य हुआ ना, है भगवान का प्राकट्य, आपके भगवान का प्राकट्य हुआ दिल्ली वाले, हमारे वृंदावन वालों का प्राकट्य नहीं हुआ, वो तो यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लेकर के आए हैं, गर्भ से। भगवान का क्या नाम था कल? बोले देवी नंदन भगवान की, मथुरा में देवकी नंदन, मथुरा में, और वृंदावन में बोले नंद के लाला की जय। बस जय 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 बार बार इसलिए बुलवाऊंगा आज कि आप जय जल्दी जल्दी जोर जोर से बोलेंगे तो भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो भैया बहुत सारी तैयारी चल रही है, लेकिन इनका दिमाग लगा हुआ है सब यहाँ पे सामने जितने ही बैठे हैं ना, सबका मन लगा है सामने जो टेबल सज रही है। अरे महाराज क्या कथा करने बैठ गए आप, जल्दी जल्दी आरती कराओ, कुछ खाने पीने को चकाचकी हो, हैं? ध्यान रहे, बड़ा गंभीर विषय कि नंद के यहाँ किसका जन्म हुआ, किसके यहाँ है जी? माया का, माया का तो आया, माया तो वहां मिली थी मथुरा में, किसका जन्म हुआ? कल आपने बोले कृष्ण का जन्म हुआ, नंद के यहाँ किसका? कृष्ण का, मोहन का, माधव का, किसका बताइए? लाला का, बेटा का, यही समझने का विषय है कि नंद के यहाँ जन्म किसका होता है। कि नंद सात मजोत्पन्ने जाता लारो महामना, आहोय विप्राण वेद ज्ञान श्राता सुचिर लंकता। नाम नहीं आया, नाम नहीं आया कि बेटे का जन्म हुआ कि बेटी का। एक ब्रज के राजा है नंद सात मजोत्पन्ने, ब्रज के राजा है जिनका नाम है नंद बाबा। नंद सात उनके यहां आत्मज का जन्म हुआ, नंद आत्मज, आत्मज का जन्म। नंद सात मजोत्पन्ने जाता लाद, न कृष्ण है न माधव है न गोपाल है न गोविंद है, वहां किसका जन्म हुआ है? आह्लाद का जन्म, आह्लाद। कल आप क्या बोल रहे थे? नंद के कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के गोपाल भयो जय कन्हैया लाल। कैसा बोला था आपने? ऐसा ही बोला था? गलत 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 ध्यान है आपने, ऐसा नहीं बोला था आपने, बोला था के नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। आह्लाद का जन्म है यहाँ पे, आह्लाद माने आनंद, नंद के यहाँ आत्मज के रूप में आह्लाद आया, आह्लाद माने आनंद आया। और ध्यान दें विश्व शब्द कोश, विश्व शब्द कोश जिसको हिंदी में विश्व शब्द कोश कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं डिक्शनरी। आज ही जाना घर पे और विश्व शब्द कोश माने डिक्शनरी, हिंदी डिक्शनरी निकालना, उसमें आनंद को ढूंढना।
प्रत्येक शब्द का पर्यायवाची है, प्रत्येक शब्द का सिमिलर वर्ड, प्रत्येक शब्द का अपोजिट वर्ड। विलोम दिन का बोलते जाइए, दिन का सबने पढ़ाए, दिन का रात, जीवन का मरण, लाभ का हानि और आनंद का सुख का दुख, और आनंद का है आनंद का क्या है, दो चीजें हैं, ध्यान दें। एक घंटा तो नंदोत्सव में चलेगी अभी कथा, दो श्लोकों पे व्याख्या कम से कम एक घंटे आपने बिठाया तो सुन लो। मेरे को वो नहीं आती, भजन एक कम कर दूंगा लेकिन कथा कम नहीं करूंगा। विश्व शब्द, विश्व हिंदी शब्द, विश्व विश्व शब्द कोश हिंदी की डिक्शनरी लेके आइए, उसमें ढूंढिए कि आनंद का पर्यायवाची क्या है। दो चीजें हैं, एक सुख है कि आनंद है, एक सुख और दूसरा आनंद। सुख एक्सटर्नल है, आनंद इंटरनल। कैसे समझे जरा, सुख सुख गर्मी लग रही है आपको, एसी के कमरे में चले गए, वाह सुख मिला शरीर को, क्या आनंद आया बताइए, क्या कहेंगे, बड़ा सुख पहुंच रहा है, ठंडी ठंडी हवा, हाजी हाजी बोलते चलो, मेरी जो कथा है सवाल जवाब वाली कथा है। पर जब तक उसमें से आप बिल्कुल पक्के 150% पक्के उस पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ता हूं, उसी विषय पे खड़ा रहता हूं, एक घंटा हो जाए वाला। सुख बाहरी वस्तु है और आनंद आंतरिक वस्तु। बैठे बैठे कोई बात दिमाग में आई, आनंद बता देता हूँ आनंद क्या है। सुख समझ लिया कि हमें गर्मी लग रही है, हमें प्यास लग रही है और हमने पानी पी लिया, ये सुख मिल गया, प्यास बुझ गई, सुख मिला हमें। और हम किसी कमरे में बैठे अचानक कोई बात, कोई अच्छा हमें अपना जीवन की कोई अच्छी अच्छी घटना याद आई, अंतर मन में अंतर हृदय में आंखें बंद करके मुस्कुरा रहे हैं, होता है कई बार ऐसा, ये आनंद है, इसको कहते हैं आनंद। वो देख नहीं रहा है, उसका अनुभव कर रहे हैं, वही आनंद। जब हम सब ब्रजवासियों पर कृपा करने के लिए आते हैं तो स्वयं परमानंद भगवान श्री धाम वृंदावन गोकुल में पधारते हैं, नंद बाबा के यहाँ। नंद सात मज उत्पन्न जाता आह्लादो महामन, आह्लाद माने आनंद, आहूय विप्राण वेद ज्ञान श्राता सुचिर लंकता, आहूय विप्राण। नंद बाबा को जैसे पता लगा मेरे यहाँ बेटे का जन्म हुआ है, एक सुंदर से बालक का जन्म हुआ है, तुरंत ब्रजवासियों को बुलाया। और कौन ब्रजवासी, ब्रजवासी ब्राह्मणों को, ये जो सब आपके समक्ष बैठे हैं। नंद सात मज उत्पन्न जाता लादो महामना, आहूय वेद आहूय विप्राण वेद ज्ञान, वेदक वेदक के ब्राह्मणों को बुलाया, आहूय माने आहूत करना, आइए महाराज आपके आशीर्वाद से ऐसा सुंदर लाला मेरे घर पधारा है, आप पधारो आओ। जाता लादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान श्राता सुचिर लंकृतः, अलंकारों का दान किया, अलंकार दान की वेदी पे बैठ गए, दान की वेदी बहुत जात कर्मात्मा जस्य वये, सुंदर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन का पाठ कराया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्रवाः, स्वस्ति नः भूः विश्ववेदाः।
स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वाजित्वा स्वस्तेनं जाते कर्मात्मजस्य वै। भैया एक बात ध्यान दें, ब्राह्मणों को बुलाया और स्वस्ति वाचन का पाठ कराया नंद बाबा ने। जैसे ही दाई दाई आजकल उस दाई को नर्स बोल देते हैं हम, तो मॉडर्न भाषा है, पुराने जमाने में दाई हुआ करती थी। उस दाई को जैसे ही दाई बड़ी, लाला का जात कर्म संस्कार करने के लिए, जात कर्म संस्कार बोलते हैं नाल छेदन, नाल नाल काटते बच्चे का, उसको बोलते हैं जात कर्म संस्कार। जैसे ही जो दाई है उसका प्रयास किया उसने कि इसका नाल काट दूं लाला का, रोक दिया, रुको रुक जाओ। बोले क्यों क्यों? कि पहले मुझे दान करने, जो ब्रजवासी ब्राह्मणों के आशीर्वाद से लाला जो आया है, पहले ब्रजवासियों को दान करने दो, क्योंकि नाल छेदन के बाद सोच के अवस्था में हम चले जाते हैं। एक शास्त्र हमारा कहता है निर्णय सिंधु, जहां से सारे निर्णय दिए जाते हैं शास्त्र के, कि यावत नाल न छेदन्ति तावत न सूचको भवे। जब तक बच्चे का नाल नहीं करता है तब तक आपको सोवर नहीं लगती है, ध्यान रखना। ऐसा ही सिस्टम है, जब ये शरीर त्याग देते हैं, जब शरीर समाप्त हो जाता है, अंत्येष्टि संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार में जब तक कपाल क्रिया नहीं होती है परिवार के लोगों को सूत तक नहीं लगती। तो माने नंद बाबा ने रोक दिया कि हो सकता है ये जो दाई है, दाई अगर ये नाल काट देगी तो हमें लग जाएंगे सोबर हो जाएगी हमारे घर में, अभी रुक जाओ, पहले दान करने दान करने। वाजित्वा स्वस्तेनं जाते कर्मात्मजस्य वै, कार्यामि कार्यामास विदवत् पितृदेवर्चनं तथा। और पितरों का पूजन किया, पितृदेवर्चनं तथा, पितरों का पूजन, हे पितरदेव आपके आशीर्वाद से सुंदर आगमन हुआ है मेरे घर में लाला का, ब्रजवासियों के आशीर्वाद से पहले पितरों का पूजन। वाजित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै, कार्यामास विदवत् पितृदेवर्चनं तथा। पितरों का पूजन और दान चल। अब आई दान की बारी, दान कैसा कैसा है। धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते तिलादि सप्त रत्नौ घा शात कुंभा भरा वरदान। नंद बाबा ने क्या किया? धेनु नाम नियुते प्रादात, धेनु माने गाय, 2 लाख गाय दान में दे दी ब्राह्मणों को, 2 लाख, 9 लाख हुआ करती थी, 2 लाख दे दी। लेकिन ध्यान दें, भागवत इस बात का प्रमाण देती है कि हमें अगर दान करना है तो कैसा दान करें। नंद बाबा दान कर रहे हैं, कैसा दान कर रहे हैं कि धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। न्यूते माने नई गाय दान में दी, गाय अगर देनी है किसी ब्राह्मण को तो नवीन गाय दान में दीजिए। यहाँ पे नंद बाबा कौन सी गाय दे रहे हैं? धेनु नाम न्यूते प्रादात, नई गाय। नई गाय से तात्पर्य है या तो प्रथम बार ब्याह चुकी है, बाल बच्चा है छोटा, या ब्याहने वाली है। अदत्त दान न दे किसी को, अदत्त अदत्त दान। बूढ़ी गाय जो दान में दे अर्ध भोजन, बूढ़ी गाय दान में दे तो कहां पे जाए? नरक में जाए, ऐसा सिद्धांत है। बूढ़ी गाय कभी नहीं देनी, ना दो तो बहुत अच्छी बात है, मत दो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर देनी है तो
तो नहीं गाए थे, तो 10-5 साल उस घर का जो ब्राह्मण है तो दूध पी सके, सेवा कर सके। पता लगी एक साल बाद आपने गाय खरीद के दी, 3 महीने में वो ठल्ल हो गई, मैंने दूध देना बंद कर दिया। 3 साल तक वो बेचारा चराता रहा उसको, वो आपका दिया दान समाप्त। अदत्त दान न दे, अदत्त। लेकिन दान की एक व्यवस्था है हमारी दिल्ली में, बहुत बढ़िया व्यवस्था। एक माता जी बेचारी, ये चौराया है, कौन सा मार्केट है, आइए नहीं आईएनए मार्केट है, वहां पे निकल के जा रही थी माता जी, तो बोली मन में विचार आया, तो कि इतनी सुंदर कथा सुना रहे हैं, सीधा हम वृंदावन से आए हैं, पंडित जी निखिल भैया ने बुला रहे हैं, बुलाया है, क्यों ना हो कुछ वहां पे भागवत कथा में जाएं, कुछ दान करके आए। मन में विचार आया, एक ढकेल पे ढकेल वाला खड़ा था। भैया आम का सीजन आ गया, अब तो बहुत सुंदर 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 आम मिल रहे हैं, भैया आम कैसे है, ये आम किस तरह से दिए आपने? बोले माँ सुनो, दान बता रहा हूं, वर्तमान का दान कैसा हो गया। माँ ये जो आम है ना, ये देखो ये तो 40 रुपए किलो है ये, और इधर वाले हैं ये 70 रुपए किलो हैं। बोले बेटा ऐसा करो, आप 2 किलो इस 70 किलो वाले 70 रुपए वाले में से दे दो, और 1 किलो 40 वाले में से दे दो आप। मन में विचार आया उस ढकेल वाले के, ठेली वाले के मन में विचार, अरे माँ जब ले जाना है तो 70 वाले 3 किलो ना करके 1.5-2.5 किलो ही ले जाइए, मत लेके जाइए। बोले सुनो, ये 70 वाले घर ले जाऊंगी और 40 वाले कथा में चढ़ा करने के लिए लेके जाऊंगी मैं। ऐसा दान हो गया, क्योंकि पंडित जी तो कुछ भी चढ़ाया अंगार दूर, वो तो मने कर व्यवहार ना है, फटी नोट चढ़ा दो जो कहीं नहीं चलती, वो भाग बची पे चलती है, वो जगन्नाथ जी के मंदिर में चलती है, क्योंकि भगवान तो कहने वाले ने भैया रुक जा, 10 रुपया बट्टे को और देके जा, 90 की चलेगी, 110 जमा करके जा। जिस दिन भगवान बोलने लग गया कि भैया ये फटी नोट मत चढ़ाओ, 500 वाली मत चढ़ाओ, पुरानी वाली मोदी जी ने बंद कर दी है, हम और पकड़े जाएंगे, हमारे घर में मिली तो ध्यान दें, अदत्त दान, अदत्त। और कैसा दान करते हैं बताऊं, और कैसा दान है आजकल का कथा वालों के लिए। दिन रात घटना हमारे साथ घट रही है, हम दिन रात देखते हैं, साल में 20 कथाएं करते हैं, ये सारी घटनाएं हमारे ऊपर निकलती हैं। माता जी कल रुक्मणी विवाह है, रुक्मणी विवाह, भैया बाजार गए, रुक्मणी जी को दहेज देना है ना दान में, कन्यादान का, जो लक्ष्मी का दान करेगा ध्यान देना, जो जगत की माँ है, जो रुक्मणी बन के आई है वो लक्ष्मी है, उसके लिए जो निमित्त में जो भी दान करेगा, भगवान स्वयं भगवती जगदम्बा का कन्यादान करने का अवसर आपको मिला। माता जी गई यहाँ से निकल के, बोले सुबह सुबह धूप हो जाती है, अभी चलो अभी चलते हैं, और मन में विचार आया ऐसा करो कि 6 गिलास ले चलो दान में दे देंगे, 6 गिलास। और दुकानदारी बहुत अच्छे हैं दिल्ली के, माँ आप गिलास चाहिए? बोले हाँ बेटा, ऐसा करो देखो ये तो 15 रुपए का है, ये 7 रुपए का दे दूंगा, ये अगर मैं लगा लूंगा 7 का, वैसे तो 10 का देता हूँ, लेकिन आप कथा में ले जा रही हैं तो मुझे भी कुछ मिल जाए उसका फल, इसलिए 7 रुपए वाला ले जाओ। दुकानदार भी बड़े भले, बहुत बहुत पतली जो स्टील आती है जैसे थैली, जैसे वो थैली को दबा देती है तो ऐसे हो जाती है, वो वाले गिलास 7 रुपए का, वैसे अपने घर में 30 रुपए का आएगा काम में, लेके आए सुंदर चढ़ा दिया। हम उसको लेकर के घर वृंदावन पहुंचे, और घर अटैची खोली, सबसे पहले कही घरवाली जो देवी मैया है, जो दिल्ली तय गई है हमारी, पति कहे अरे सुतेवन सुन लेने, आज हमें चाय पिला रहे, एक गिलास कॉफी पिला, और देख दिल्ली जो कथा हो रही थी जगन्नाथ ने, वहां बहुत सुंदर डिजाइन वाला गिलास आया है, उसी में चाय देना तू हमको।
वो बेचारी उसने कार्टून वार्टून खोला निकाला ग्रास के पति देव ले इसी में ले हमें क्या तुम लाए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा लिया हमने चाय पी के वो ग्लास रख दिया क्या बोलते हैं उसको रसोई में सिंक ऐसे बोलते सिंक बोलते सिंक बेचारी वो ब्राह्मणी वो ग्लास को माज रही क्योंकि दोबारा काम में आ जाए वो या ऐसा मन करो कि एक बार इनने पी लिए या दो माज के धर देंगे दोबारा रिश्तेदार आएंगे उनके काम में आवे वो नए हो ना जावे जाते तो दे हाथी बेचारी वह ब्राह्मणी जैसे ही ग्लास साफ कर रही थी अचानक क्या हुआ उसकी हाथ उसका हाथ ग्लास से कट गया अरे बोले महाराज कैसो ग्लास लेके आए हो पंडित जी तुम्हारे ग्लास ने तो हाथ काट दिया पर कोई बात नहीं चल हम दवाई लगवा दें वो बैंडेड लगवा दिया एक इंजेक्शन लगवा दिया टिटनेस का 3 दिन निकल गए सूज गई होंगी पंडितानी बोली अरे महाराज उंगली में दर्द हो रहा है रोटी नहीं मिलेंगी भूखे मरो तुम तो हाँ बनाओ अपने आप हम पे आता ही नहीं क्या कोई बात नहीं भगवान चल तो इसको डॉक्टर के यहाँ लेके चलते हैं डॉक्टर ने उंगली को खोल के देखा बोले उंगली पक गई है सेप्टिक फेल बोले ऐसा करो इसकी ड्रेसिंग करता हूँ और हर तीसरे दिन आपको ड्रेसिंग करवानी पड़ेगी ये 8 दिन लग जाएंगे ध्यान रखें आप इसमें 8 दिन लग जाएंगे और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा 2 इंजेक्शन और दूंगा वो वेक्टर डीएस के उससे सूख भी जाएगा कोई बात नहीं भैया डॉक्टर साहब से पूछी कितने पैसा लगेंगे बोले 100 रुपए मेरी फीस है 50 रुपए ड्रेसिंग के 50 रुपए ड्रेसिंग के 100 रुपए फीस हफ्ता में ठीक हो जाएगा 3 दिन में एक बार आना पड़ेगा मतलब 3 बार लगाओ हिसाब 50 100 150 300 450 ग्लास कितने का दिया था आपने 7 रुपए का और पंडित जी के कितने लग गए 450 निर्णय आपका है बताना मेरा क्या अदत्त दान न दे हमारे ग्रंथ प्रमाण देते हैं इस चीज का नंद बाबा कैसा दान कर रहे हैं ध्यान दे कि धेनु नाम नियुते प्रादा विप्रभ्य समलंकृते तिलादे सप्त रत्नों घ शाजकुंभा वरावरदान धेनु नाम नियुते प्रादा नई गाय दान में दी और कैसे दीजिए और देखें जरा कैसी थी विप्रे बेसम अलंकृत अलंकारों से सजा करके गाय को दान में दिया गाय के जो सींग है उनमें सोना मड़वाया और जो गाय के पैर खुर बोलते हैं खुर में चांदी मड़वाई ऊपर मोतियों के झूल दी लो ब्राह्मण देवता लेके जाओ आराम से दूध पीना ऐसा दान दिया धेनु नाम न्यूते प्रादा विप्रे बेसम अलंकृत अलंकारों से सजा कर और तिलादे सप्त रत्नों घा शाद कुंभा भरावरतान 7 तिल के पहाड़ बनाई 7 तिल की ढेरियां बनाई जैसे ये आपके जो बरात उसको बोलते हैं थाली से बड़ा साइज होता है वो उसमें तिल की सफेद तिल होते हैं जिसके लड्डू खाते हो आप लोग उसकी इतनी बड़ी बड़ी ढेरियां बनाई 7 थालियों में अलग अलग और क्या दिया उसने तिलादि सप्त रत्नों घ उन तिल के पहाड़ के अंदर तिल की जो डेरी है उसके अंदर सप्त रत्नों का दान दिया हीरा पन्ना मोती जवाहरात पुखराज ऐसा दान किया ऐसा दान अरे दान देना था तो चौड़े में देते नंद बाबा या प्रश्न है अरे नंद बाबा को जब दान देना था चौड़े में देते छाती चौड़ा के लो महाराज जी ले जाओ जी हीरा पन्ना मोती की माला जब धारण करो जाओ लेकिन नंद बाबा हम सबको कुछ सिखाना चाहते हैं 3 तरह के दान हैं 3 तरह के राजस दान तामस दान और सात्विक दान कितना है राजस तामस और सात्विक दान राजस्थान क्या है बताएं कि आगे चले बताएं राजस्थान है
जो अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए दान दिया जाता है उसको कहते हैं राजस दान। जगन्नाथ मंदिर में कोई हॉल बन रहा है, कोई मंदिर में कोई कमरा बन रहा है, कोई ये सेट तैयार हो रहा है, और जो दानदाताओं की जो लिस्ट है वो पूरी हो गई महाराज, अब नहीं लेंगे। लेकिन हम आए, बोले कितने रुपए का चंदा लिया था आपने? बोले 1,51,000 का लिया था। बोले 2,50,000 देंगे, लेकिन हमारा नाम लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। समझ रहे निखिल भैया? अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए जो दान दिया जाता है उसको कहते हैं राजस दान। पहला, दूसरा तामस। तामस दान क्या है? तामस दान है आपका मन था 10 रुपए देने का, कोई आपको कोई चंदा चिट्ठा, कोई भगवती का जागरण, कोई इधर उधर भंडारा हो रहा है। दिल्ली में बहुत भंडारे होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वो भोले बाबा का वो निकलता है कावड़, कावड़ उसमें भी चंदा होता है। और कोई आपके घर आया तो भैया वो कावड़ के लिए एक कैंप लगाना चाहते हैं, भंडारा कर रहे हैं, आपने कही ठीक है भैया ऐसा करो 251 की रसीद काट दो। नहीं नहीं, 251 क्यों कटवाएंगे भाई, आप चकाचक हो, ठाकुर जी कृपा है, 501 तो कम से कम दो। मन था आपका 251 और किसी के दबाव में आकर के कितने दिए आपने? 500। कौन सा दान हो गया ये? है तामस। राजस दान अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए, तामस दान दबाव में आकर कोई वस्तु दे, तामस। और सात्विक दान, इस हाथ ने दिया इसको पता ही नहीं लगा क्या दे दिया, इसने दिया इसको पता ही नहीं। नंद बाबा कहना चाहते हैं, नंद बाबा इसलिए छुपा करके दान कर रहे हैं कि कभी भी दान करें, इसको दें, इसको इसने दिया इसको पता ही नहीं। हमारे पुष्टि मार्ग की प्रथम, पुष्टि मार्ग का बहुत बड़ा मंदिर आप लोग गए होंगे, जयपुर से उदयपुर, उदयपुर से आगे नाथ द्वारा, वहां बड़े बड़े दान आते हैं। आज भी ठाकुर जी की कृपा है कि सोने के सिलबट्टे से भगवान की सेवा के लिए केसर चंदन घिसा जाता है सोने के सिलबट्टे में, और आज भी वहां घी के और तेल के कुएं हैं। गए हैं कभी? नहीं। चलो हम आपको सबको यात्रा लेके चलेंगे एक बार, ऐसी भैया से दोपहर को बात हुई निखिल भैया से, ऐसी ऐसी आध्यात्म यात्रा लेकर के चला करेंगे। अब तो हम सब परिवार के ही एक परिवार के हो गए हैं। सोने के सिलवट्टे हैं वहाँ पे और घी तेल के कुएं हैं, कुएं से प्रसाद पर ये जमीन में से नहीं निकल रहा, वहाँ पे बहुत सारा घी आता है, पीपे को ड्रम को उसमें एक टैंक में खला दिया जाता है और रस्सी बाल्टी से ठाकुर जी की सेवा के लिए घी रस्सी से खींचा जाता है। और दान कैसा दिया जाता है मालूम है? बहुत बड़ा ट्रक जिसमें 300 पीपे देसी घी है, उस ट्रक पे एक बोर्ड लगा हुआ है। क्या बोर्ड है मालूम? उसकी रसीद क्या है? बोलो देने वाले श्रीनाथ जी और लेने वाले श्रीनाथ जी, देने वाले और लेने वाले। हम कौन है? हम तो माध्यम हैं। उसने दिया 13 तुझको अर्पण। तो नंद बाबा ये कहना चाहते हैं कि हम दान करें, कैसा दान दें? सात्विक दान, चुपचाप दान का प्रदर्शन न करें।